दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड या स्मार्टफोन से अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये करना काफी लोगों को नहीं आता है, इसलिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले किस तरीके से अपने ब्लूटूथ के माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद किस तरीके से अपने वीडियो और मूवी का साउंड अपने स्पीकर में सुन सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों को अपने मोबाइल से ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करना नहीं आता। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा विदाउट स्किप करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड या स्मार्टफोन से किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरा देखते रहिएगा विदाउट स्किप करें। आप देख सकते हैं ये है ब्लूटूथ स्पीकर, आपके पास कोई भी स्पीकर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपने ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करना हो, चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ऑन कर लिया है और ये दोस्तों ऑलरेडी ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है। आप अपने स्पीकर को देख लीजिएगा कि ब्लूटूथ मोड पे कैसे आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो FM पे जाएगा, है ना, USB पे जाएगा, तो ये ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है। तो अपने जो भी स्पीकर आपने लगा रखा है अपने उसको पहले आप ब्लूटूथ मोड पे ऑन कीजिएगा। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा इसे बंद करता हूँ, देखिए ये बंद करूंगा इसको मैं, ध्यान दीजिएगा। जब मैं इसको चालू करूंगा तो डायरेक्टली जो मेरा स्पीकर है ना वो ब्लूटूथ मोड में ही चालू हो रहा है। देखिए देखिए दोस्तों, तो आपको पहले अपने स्पीकर को ऑन करके उसको ब्लूटूथ मोड पे लाना होगा। उसके बाद करना क्या, ध्यान दीजिए आप दोस्तों, जो स्पीकर मेरे पास हो सकता है कि आपके पास दूसरा स्पीकर हो, तो इसलिए आप देख लीजिएगा कैसा स्पीकर आपके पास है, तो उसको पहले आप ब्लूटूथ मोड में ले आइएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉइड हो, आईफोन हो, स्मार्टफोन हो, कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिए आपको इसको ओपन कर लेना आपके मोबाइल को। जब ओपन करेंगे आप तो आपके मोबाइल में जहाँ भी आप देख लीजिएगा सेटिंग में जाके, जहाँ भी आपके मोबाइल में सेटिंग में ब्लूटूथ आपको देखने को मिलता है उस पर क्लिक करना होगा। आपको बता देता हूँ मैं, देखिए सेटिंग में आते हैं अपन, सेटिंग में आप देखिए ये है ब्लूटूथ ऑप्शन, और आप चाहें तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर भी कुछ मोबाइल में आ जाता है, यहाँ पे कुछ में नीचे से आ जाता है। अगर आपको ऊपर से आना चाहते हो ऊपर से यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखिए लिखा है ब्लूटूथ, यहाँ देखिए आपको इस पर क्लिक करके रखना होगा। जब क्लिक करके रखेंगे तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको ये जो ब्लूटूथ ऑप्शन देखने को मिलता है आपको इसको ऑन करना होगा या इसको ब्लूटूथ को ऑन कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए आपके सामने कई सारे यहाँ पे डिवाइस के नाम आएंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। इसे देख सकते हैं आप, TG लिखा हुआ था, ये TG 1 3 1 1 3 ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। अब दोस्तों कुछ केस में होता है, कैसे मान लीजिए कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो इसको कर देता हूँ फॉरगेट, अनप्ले करा मैंने, डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको पूरा बंद कर देता हूँ। फिर से देखिए अब मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखिए आपके मोबाइल में जितने भी आसपास ब्लूटूथ डैश खुले होंगे वो सभी यहाँ पे शो होंगे। तो अभी जो क्या हुआ दोस्तों, मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया था, क्योंकि इसलिए हुआ था कि मैंने इससे पहले कनेक्ट कर रखा था। तो आपके मोबाइल में दोस्तों नाम आएंगे सभी जगहों के, तो आपका हो सकता है जिस भी नाम का आपका स्पीकर होगा, सोनी का, कोई भी कंपनी का होगा या JBL का, तो उसका आपको यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा, या कुछ भी आपको हेडफोन टाइप का देखने को मिलेगा, जो भी आपके स्पीकर का नाम है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये मेरे स्पीकर का नाम है, इस पर क्लिक करना होगा, तो आपको अपना क्लिक कर दीजिएगा, ये कनेक्ट हो गया। देखिए ये कनेक्ट हो गया, अब कुछ भी नहीं करना, अगर आपको मूवी देखना है तो मूवी प्ले करेंगे तो इसमें आ जाएगी, अगर सॉन्ग सुनना है तो भी इसमें आ जाएगी। है तो अब मैं आपको एक म्यूजिक चला के दिखा देता हूँ। इसे मान लीजिए कि मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए YouTube पे आता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी म्यूजिक प्ले करता हूँ। देखिए दोस्तों अभी अब साउंड मत देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए दोस्तों साउंड मत दा तेज, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल से, अपने स्मार्टफोन से, अपने एंड्रॉइड फोन से किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग सीख गए होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी दोस्तों तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।